हरे कृष्णा। तुलसी शालिग्राम विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी शालिग्राम विवाह के विषय में कुछ कहने से पूर्व आइए जानें कि कौन है तुलसी महारानी और क्यों उनकी पूजा की जाती है। कुछ प्रमुख तथ्यों को हम सबको जानना चाहिए। जैसे कि हम सभी तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं जिसे कंठी कहते हैं, जो तुलसी पौधे की काट से ही निर्मित होती है, तथा जब भी हम भोजन बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डालते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है और उनके बिना भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आइए जानते हैं इस विषय में। तुलसी विवाह की कथा जो बहुत ही विस्तृत है और आज हम उसे संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह प्रसंग अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से हुआ। आज हम जो लीला आपको बताने जा रहे हैं उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। परम भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन, जो सभी बैकुंठ लोकों में सर्वोपरि है, जहाँ भगवान की लीलाएं अनवरत रूप में चलती रहती है, वहाँ तुलसी महारानी जिनका गोलोक में नाम वृंदा है, उनके आदेश से वे कुंज जहाँ श्री माधव अपनी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, वे भौरों खिलते हुए फूलों हिरण मधु एवं अन्य वस्तुओं द्वारा भव्य रूप से सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। वृंदा देवी के द्वारा सेवित ही श्री वृंदावन है, जहाँ सारे पशु पक्षी शुकसारी कोकिल मयूर इत्यादि वृंदा देवी के आज्ञाकारी हैं एवं वे राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर नृत्य करते हैं व सुंदर मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अतः वृंदा देवी श्री कृष्ण और राधा रानी की सारी दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। वह राधा कृष्ण मिलन करवाना ही वृंदा का एकमात्र कार्य है और वे वृंदा जब भौतिक संसार में आती हैं तो कहलाती हैं तुलसी। आइए जानते हैं कैसे। श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों की प्रमुख हैं व वे अपनी सखियों को भगवान श्री कृष्ण से मिलवाती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमें किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होता है तो हमें उनके प्रिय व प्रमुख व्यक्ति के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए, यही शिष्टता है व यही आचार भी है। परंतु एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वृंदा देवी जब भगवान की लीलाओं हेतु किसी मनोरम स्थान की खोज में थी, तभी वे वहां पर भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं, जिनके स्पर्श से भावातिरेक में वे बेहोश हो गई। जब इस विषय में राधा रानी को पता चला तो क्रोधित हो वे वृंदा देवी को श्राप देती हैं कि तुम्हारा ये आचरण निम्न जीवों की भांति है जो मनमाना व्यवहार करते हैं, अतः तुम भौतिक संसार में जाओ व जब वहां रहकर तपस्या इत्यादि से शुद्ध हो जाओ तब वापस आना। वृंदा देवी इसे स्वीकार करती हैं। वही भगवान श्री कृष्ण भी थे, वे वृंदा से कहते हैं कि पृथ्वी पर रहते हुए तुम श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना। वह ये सब सुनते हुए हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि तुलसी महारानी अर्थात वृंदा देवी गोलोक में श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और आंशिक विस्तार के रूप में बैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान है। वे कोई साधारण जीव नहीं है। और तब लीलानुसार उन्होंने राजा धर्मध्वज व माधवी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह क्योंकि उनका सौंदर्य अद्वितीय व अतुलनीय था तो साधु संतों ने इस कारण उनका नाम रखा तुलसी। वह थोड़ी बड़ी होने पर ही वे बद्रीनाथ के पर्वतीय क्षेत्रों पर गई व वहां जाकर घोर तपस्या की, जिससे अंत में ब्रह्मा उन्हें वरदान देने के लिए आते हैं व प्रश्न करते हैं कि तुम किस कारण इतना घोर तप कर रही हो। तब तुलसी उन्हें विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने का अपना संकल्प कहती हैं। तब ब्रह्मा उन्हें बतलाते हैं कि गोलोक में कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों में से एक थे सुदामा, जो कृष्ण का ही आंशिक विस्तार थे, वे तुमसे विवाह करना चाहते थे,
वर्तमान में वे राधा रानी के श्राप के कारण दानवों के मध्य रह रहे हैं और शंखचूड़ के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्याएं की हैं व पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए भी कड़ी तपस्या की है, इसलिए आप उनसे विवाह की स्वीकृति दे दीजिए और बाद में किसी तरह दैवी शक्ति के विशेष प्रबंध द्वारा आपको सौंदर्यवान नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे। तब इस प्रकार शंखचूड़ व वृंदा देवी का विवाह होता है। कालांतर में अपने शक्ति बल व प्रभाव के आधार पर शंखचूड़ ने लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया। यहाँ तक कि देवताओं को अनेक बार त्रस्त किया, परास्त किया। तब सभी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी ने शंखचूड़ को समझाया, परंतु वह न माना। परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बहुत लंबे समय तक चला। और फिर उसके अंत के लिए जब शिवजी त्रिशूल उठाते हैं, जो बड़े बड़े महान व्यक्तियों द्वारा भी सहन नहीं हो सकता था, परंतु तभी एक दिव्य स्वर्गिक ध्वनि गूंजती है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब तक शंखचूड़ कवच पहन रखेगा, वो उसकी पत्नी पातिव्रत्य बनाए रखेगी, वह न तो मरेगा और न ही बूढ़ा होगा। इसलिए फिर दिव्य योजना अनुसार विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से कवच मांगते हैं, जो वह दे देता है, तथा उसके पश्चात विष्णु भगवान शंखचूड़ का वेश बनाकर उसके महल में जाकर तुलसी के साथ संग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध स्थल में शंखचूड़ मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी बीच तुलसी महारानी को संदेह होता है, तो वे क्रोधित हो प्रश्न करती हैं कि कौन हो तुम। तब भगवान विष्णु अपने सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिसे देख वृंदा पहले तो अपनी चेतना को बेहोश हो जाती है, परंतु पुनः चेतना आने पर विष्णु भगवान को यह श्राप देती है कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, आपका हृदय पत्थर के समान है, अतः मैं आपको पत्थर बनने का श्राप देती हूँ। दुख व निराशा से अत्यधिक प्रभावित होकर परेशान तुलसी जब जोर जोर से रोने लगी और बारंबार शोक करने लगी, तो दया के सागर नारायण उन्हें सांत्वना देते हुए पूर्व जन्म की व उनकी तपस्या और शंखचूड़ के विषय में भी सब सत्य बतलाते हैं। वह कहते हैं कि उसी कारण मैंने ये सब किया। अब तुम अपनी ये संसारी देह त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो और मुझसे विवाह करो व लक्ष्मी के समान बन जाओ। तुम्हारी देह भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक गुणवान, शुद्ध, निर्मल नदी गंडकी के नाम से विख्यात हो जाएगी। तुम्हारे केश पवित्र वृक्षों में परिवर्तित होंगे और चूंकि उनकी उत्पत्ति तुमसे होगी, इसलिए वे तुलसी के वृक्ष के नाम से जाने जाएंगे। पर आगे भगवान कहते हैं कि तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर भारतवर्ष में रहूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वह तब तुलसी की महिमा करते हुए भगवान नारायण इस प्रकार कहने लगे कि शहद से भरे हजारों बर्तन भेंट करने से वे इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने वे एक तुलसी पत्र भेंट करने से होंगे। यदि मृत्यु के समय कोई तुलसी के पत्ते का जल पीता है या उसे प्राप्त करता है, तब वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ चला जाता है। जो कोई भी तुलसी पत्र से प्रतिदिन मेरी आराधना करेगा, वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों के आशीर्वाद का फल प्राप्त करेगा। और इस प्रकार अनगिनत रूप से विविध लाभों का वर्णन भगवान ने किया। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, जहाँ नारद मुनि के इस प्रश्न पर कि शुद्ध एवं पवित्र तुलसी देवी आपकी पत्नी कैसे बनी, भगवान नारायण ऋषि यह वर्णन करते हैं। वह अंत में कहते हैं कि इस प्रकार देवी तुलसी शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। वह कमलापति भगवान श्री हरि उन्हें साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। वह यही तुलसी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रहती हैं, जो कि उनकी इच्छा थी, क्योंकि वे भगवान की परम भक्त हैं। वह शुद्ध भक्तों का स्वभाव होता है सदैव ही भगवान के चरणों में रहकर उनकी महिमा गाना, गुणगान करना, कीर्तन करना, प्रार्थना करना, उनका धन्यवाद करना व कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रशंसा करना कि उन्हें भगवान के श्री चरणों का संग प्राप्त है, जो परम प्रेम है, जिसमें परम शांति है, जिसमें परम शक्ति और परम सामर्थ्य के साथ साथ परम आनंद भी है। और जब आपको ये मिल जाता है, तो फिर सब कुछ मिल जाता है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि राधा कृष्ण दिव्य युगल का सेवा लाभ
अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसकी पूर्ति है तो श्री वृंदा देवी का कृपा लाभ करना परम आवश्यक है और इसको प्राप्त करने का एक अत्यंत ही सुनहरा अवसर है तुलसी विवाह। अतः आप सब इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं व तुलसी महारानी की सेवा का सुयोग जगाकर ये मानव जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।